औरंगजेब पूरा पागल हो गया था, पूरा पागल। धर्म नाम का अफीम क्या फूका उसने, जिसको उसको काटने की बात कर, इसको काट डालो, मार दो इसको, इसको ठोक दो। कब कौन से किस तरह के वो नए नए तरीके से चीजें निकालेगा किसी को पता नहीं था। जितने भी सूरत में रहने वाले, सूरत उसी के अंडर में थी, सूरत में रहने वाले जितने भी हिंदू थे उनको अगर अपने मंदिर बचाने, अपनी चीजें बचाने, उनको डबल टैक्स देना पड़ता था। वो जबरदस्ती करप्शन कर करके उनको पैसे देते थे। तो एक सूरत में एक अंग्रेज था, वो अंग्रेज लिख के रखता है, बोले ये जो औरंगजेब है इसके चक्कर में मेरे पास में कुछ लोग आए, बोले वो फैक्ट्री है, बोले उनकी वखार बोलते, वो वखार फैक्ट्री है बोले उनकी। वो बोल रहे, बोले कि साहब हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते, अगर हम मुंबई चले गए तो मुंबई उस समय अंग्रेजों के अंडर में थी, बोले मुंबई में हमको फैक्ट्री खोलने की अनुमति देना, औरंगजेब के अंडर में हम बर्बाद हो रहे। और औरंगजेब की हरकतें ऐसी थी, लोग बोलते आलमगीर का येड़ फूक्या था वो। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल डायनेस्टी पूरी खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? इसकी वजह से हुई। ये इतना कट्टर था, पूरा पागल था, इसने बैन लगा दिया म्यूजिक के ऊपर। बोले जिसके घर में से म्यूजिक के वाद्य की आवाज आएंगी उसके घर में घुसो, वाद्य तोड़ दो। 9 अप्रैल 1669 का फरमान मिलता है औरंगजेब का, उसने काजी को अपॉइंट किया, बोले जितने प्राइम मंदिर है तोड़ना शुरू करो। काशी का मंदिर फूटा, सोमनाथ का मंदिर फूटा, मंदिर मथुरा का एक मंदिर टूटा, बोले तोड़ो। पूरा पगला था वो औरंगजेब, पूरा झंडू। एक बार अपने रियासत में से जा रहा था तो सारे म्यूजिशियन लोगों ने वहां पे तहलका कर दिया था, बोले हमको काम धंधा ही नहीं मिल रहा था ना यार, बोले हम काम करें तो करें क्या। तो उन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया वो अलग तरीका था। उन्होंने किया ऐसा, गड्ढा खोदा, सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें भर रहे थे। औरंगजेब आने वाला था, सबको पता था। औरंगजेब ने देखा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ये वाद्य है, बोले इनको गाड़ रहे, बोले इनकी मैयत है, बोले इनको गाड़ रहे, बोले। औरंगजेब ने कहा, बोले इतना अंदर गाड़ो फिर कभी बाहर नहीं आने चाहिए। तब पगला था वो औरंगजेब, पूरा झंडू। औरंगजेब धर्मों को बहुत मानता था उसके, तो अकॉर्डिंग टू दैट म्यूजिक बैन है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। आप अगर बहुत बार अकबर को देखोगे ना, टोपियां सिलते रहता था वो। तो उसमें यह लिखा है कि संपत्ति इतनी होनी चाहिए जिसमें तुम अच्छे से रह सको। तो वो ऐसा था कि वो खुद के पैसे टोपियां सिलता था, टोपियां बेचता था, उसमें से उसको पैसे आते थे। झूठ काहे को बोलूं, जो है वो है। बाकी मुगलों के राजा के जैसे अय्याशी नहीं करते बैठा वो। उसके अय्याशी के किस्से कभी मशहूर नहीं है। शाहजहां के अय्याशी के किस्से मशहूर है, औरंगजेब के अय्याशी के किस्से मशहूर नहीं है। जितने भी म्यूजिशियन थे सबको हकाल दिया उसने। मंदिरों पर अटैक हो रहे, सूरत के सब लोग पूरे परेशान हो गए। शिवाजी महाराज तक खबर आई, शिवाजी महाराज भी चिढ़ गए, बोले कि हमने किसके लिए बोले इतना सब खड़ा किया। महाराज ने ऐसे नहीं बोला कि वो राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में जो तमाशे चल रहे औरंगजेब के वो हमारे लोग नहीं है, मेरे को क्या सिर्फ मराठों के लिए करना है क्या, कैसे महाराष्ट्र के लिए करना है, ऐसे स्वराज्य के लिए करना है। बोले पूरा भारत पे भगवामय करना है, बोले भारत को पूरा भारत भगवामय करना है। यह खुद को चंगेज और तैमूर की औलाद बताता था। बोले पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत का खाब देखेंगे हम। शिवाजी महाराज के बारे में एक क्रिश्चियन फिर से लिख के रखता है, सूरत वाला, वो कहता है, बोले शिवाजी महाराज के स्वराज्य में कोई भी धर्म का आदमी अगर वहां रहेगा तो सुखी रह सकता है। शिवाजी महाराज को धर्म का द्वेष नहीं था, लेकिन अपने धर्म पे अटैक करने वाले भी लोग उनको पसंद नहीं थे। सर्व धर्म समभाव। कई बार कई जगहों पे कुरान शिवाजी महाराज के हाथ में लगी, शिवाजी महाराज ने बहुत आदरपूर्वक उसे दे दिया, नहीं वो अपमान नहीं किया महाराज ने। हाँ, शिवाजी महाराज के सेना में मुसलमान 12-13 ही थे, ज्यादा नहीं थे, ये भी याद रखना। शिवाजी महाराज की काम करने का तरीका ही अलग था पूरा। औरंगजेब भी कहता था, मुझे दुश्मन मिला शिवा जैसा, मैं खुश नसीब हूं। महाराज का जब राज्याभिषेक होगा उस वक्त मैं सुनाऊंगा औरंगजेब शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहता है। उसके जितने भी पुर्तगीज उसके दरबार में बैठे, जितने भी लोग हैं, उन सबने उसका बखान किया है। औरंगजेब खुद आना चाहता था, बोले दक्खन पे कभी सवारी करूंगा, लेकिन डरता था वो। मुगल का रिप्रेजेंटेटिव है, कभी उसकी नाक अच्छी हो गई तो क्या करेगा वो।
और इसके दिमाग में फिर से क्या घूमा तो पता नहीं, इसने लेटर लिखा मुअज्जम को, मुअज्जम यानी उसका वो जो औरंगाबाद में बैठा हुआ लड़का है उसको लेटर लिखा, बोले वो जो संभाजी राजे है, बोले संभाजी राजे की तरफ से जो सोमनाथ नीरा जी है, बोले पंत सोमनाथ पंत वो जो संभाजी महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बोले उनको कैद करो, दिल्ली भेजो। और साथ ही साथ वहां पे प्रतापराव गुजर भी थे और एक नीराजी करके थे, बोले उनको भी करो, बोले भेजो। बोले तो ये खबर दिल्ली से जब निकली तो दिल्ली से निकलने के बाद वो जब स्वराज्य में आई, यानी कि स्वराज्य ने औरंगाबाद में आई, औरंगाबाद में आने के 7-8 दिन पहले ही औरंगजेब के लड़के को पता चल गया था कि मेरा बाप ऐसे कारस्थान करने वाला है। वो शिवाजी महाराज की बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। उसको पता था अगर इसी हिसाब से चलते रहा तो मुगलों का भारत में रहना सही नहीं है, आने वाली पीढ़ी को बहुत सहन करना पड़ेगा, औरंगजेब तो मर जाएगा एड़े चले धंधे करके। उसने ऑलरेडी प्रतापराव गुजर को सबको बोल दिया, बोले आप या बोले काम करो, बोले प्रतापराव गुजर और नीराजी पंत उस समय, सोमनाथ नीराजी अलग और ये नीराजी पंत अलग, ये दोनों उधर उसी समय उस समय औरंगाबाद में थे। इनको 7-8 दिन पहले बता दिया, देखो बोले मेरा बाप हेड़ फूका है, बोले रात को बुलाया, बोले हेड़ फूका है, बोले उसको सेना भेजिए, बोले सेना को बोल रहा है, बोले कि आप दोनों को पकड़ के दिल्ली ले जाए, अगर मैं यहां से आपको भेज दूंगा तो आपकी बहुत नाचक्की हो जाएंगी। बोले आप ऐसा करो, आप जित समय मिलते निकल जाओ। दूसरे दिन अपने 2,500 घोड़े ओड़े सब लोगों को लेके, घोड़े ओड़े और लोगों को लेके रात भरे में सब भग गए वहां से सीधा राजगढ़। इन्होंने लेटर भेजा सोमनाथ को, सोमनाथ नीराजी को। सोमनाथ नीराजी उस समय पे वराड़ में थे, वराड़ यानी कि एमपी के साइड में, अलग अलग जगह पे थे, लेकिन दोनों संभाजी महाराज को, तीनों संभाजी महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक आदमी ऑफिशियली दरबार में बैठा होना चाहिए, वो औरंगाबाद के दरबार में बैठे रहता था, और एक आदमी जहां पे वो जगह है वहां पे होना चाहिए, तो ऐसे तीनों लोग अलग अलग जगहों पे थे। यहां से निकले, उन्होंने उनको लेटर भेजा। औरंगजेब कितना नालायक, देखो बोले शिवाजी राजे जब आगरा में आए तो आगरा में रहने के बाद वहां पे रुके, रुकने के बाद उनके 1,00,000 का खर्चा हुआ है, बोले हाँ, तो बोले 1,00,000 का खर्चा ऐसा करेंगे संभाजी महाराज का जो कुछ भी पगार वगैरह जाता है उसमें से रकम कर अपन ले लेंगे। कितनी चिकट्टिया में, वो पूरा चिकटिया, एक पैसा काफी रुपए खर्चा नहीं करना है, औरंगजेब का उसूल था। वो क्या करेंगे, सोमनाथ नीरज को पता चला, बोले ऐसी बात है क्या। 1667 में तह हुआ है और ये सब हरकतें 1669 में कर रहा, 2 साल से उधर ही है वो। उन्होंने पूरा वराड़, पूरी मुगलों में कहां कहां कितने पैसे सब देख लिया था। आने के पहले वराड़ में इनकी सेना थी वहां पे कम से कम 5,000 की मनसब, 5,000 के मनसब के ऊपर की 3,000 की यहां पे मराठों की सेना थी, 3,000 की मराठों की सेना निकली, बोले अपने को निकलना है कि अपने को बोले किडनैप करने का, उधर ले जाने का फरमान आने वाला है, बोले जेल वेल में डालने का, ऐसा करो बोले 3,000 की सेना है, बोले जितने पैसे मिलते हैं मिलो, छापे वापे मारो, भड़बड़ा के भगो यहां से। पूरे पैसे जमा किए, राजगढ़ पे निकल गए और ये तीनों के तीनों एक साथ राजगढ़ पे पहुंचे, तीनों के तीनों राजगढ़ पे एक साथ पहुंचे। शिवाजी महाराज के दिमाग में आया, बोले आप तीनों के तीनों एक साथ कैसे आए, बोले प्रतापराव गुर्जर भी आ गए, ये नीराजी भी आ दिख रहे, बोले ये सोमनाथ नीराजी भी यहां दिख रहे, बोले ऐसा कैसे, बोले उसने तह तोड़ दिया। एक तरह से धोखा देना यानी तह तोड़ना है ना। 8 दिनों के बाद उसका लेटर आया है दिसंबर के महीने में 1669, और लेटर में क्या लिख के आया है, बोले दोनों को किडनैप करो, जेल में डालो, बोले भेजो उधर। मुअज्जम ने लेटर लिखा, बोले शहजादे ने, बोले अरे यार, बोले 8 दिन पहले इधर थे, बोले भग गए, बोले यार, बोले हट, खुशी हो रही थी उसको, प्लान उसी का था, मदद उसी ने करी थी, उसको पता था, वो शिवाजी महाराज का बहुत रिस्पेक्ट करता था ना, और उसको पता था खट दिमाग के मराठे, दिमाग विमाग खराब हो गया, मार देंगे अपने को, पटक पटक देंगे, वो पंगे नहीं लेता था भाऊ, उसको वो अपना दारू वारू सिगरेट विगरेट पी के बड़ा खुश रहता था, चिल्ली विल्ली फूक के। औरंगजेब के जैसा नहीं था, वो शान लहरी था, वो लहरी इन द सेंस दारू पियो ऐश करो खुश रहो मित्रों, दिल तो किसी का दुखाओ ना, बोले शिवाजी महाराज का दिल नहीं दुखाने, बोले राजा का दिल नहीं दुखाना, बोले। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की पदवी दी थी और राजा की पदवी शिवाजी महाराज को मिलनी चाहिए, इसके लिए अर्ज किया था ये शहजादे ने,
राजा साहब है, बोले उनको राजा के वाजा की पदवी दे दो। बोले शिवाजी जी तो लगाता था नहीं है, और राजा का राजा की पदवी दिलाई, बोले दे दो। बोले मतलब शिवाजी महाराज ऑलरेडी राजा है, लेकिन औरंगजेब ने भी रिकॉग्नाइज किया, बोले राजा जी हो, बोले आप जाओ। हाँ लेटर है, फरमान है। वैसे शिवाजी महाराज आए, सबके पास सामने खड़े है, बोले तोड़ दिया तो अच्छी बात है, मनसबदारी भी गई, अच्छी बात है। राजगढ़ से उत्तर की ओर देखते हुए अगर तुम देखोगे, वहां पे वो सिंहगढ़ एग्जैक्ट दिखता था। बहुत प्यारा गढ़ है वो सिंहगढ़, बहुत प्यारा, कोंडाना बोलते उसे। सिंहगढ़ यानी कि पुणे में एंट्री की, पहले के गढ़ों का महत्व क्या था आप समझोगे कि यार इतने पहाड़ वहाड़ पे काय को, ये पहाड़ वहाड़ पे लेना है साला, चढ़ने में इतनी ततर पतर हो जाती है आदमी की, इधर ऊपर लेके करते क्या थे ये लोग ऊपर ऊपर चढ़ के। देखो पहले क्या था, तुम्हें जब कोई सिटी क्रॉस करना है तुम्हें पहाड़ों से ही उसे क्रॉस करना पड़ता था, तो आप जब उसे क्रॉस कर रहे हो तो आपको गढ़ के बाजू से जाना पड़ेगा, और गढ़ पे सारे सैनिक तैनात रहते थे, उन्हें दिख गया तो वो वहीं से मार देंगे, बाउंड्री होती थी वो। कोंडाना एक तरह से पुणे का एंट्री पॉइंट था, जिसके हाथ में कोंडाना उसके हाथ में पुणे का एक एंट्री पॉइंट। और कौन से साइड का एंट्री पॉइंट, तो आप अगर देखोगे तो पुणे का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न भाग में वेस्टर्न साइड से उसका एंट्री पॉइंट था पुणे का, यानी कि सॉरी ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में पुणे था और वेस्टर्न साइड में ये खड़ा है पुणे के पश्चिम में, और ईस्ट में पुणे है। तो अगर आप पश्चिम से घुस रहे हो तो बीच में आपको कोंडाना मिलेगा। शिवाजी महाराज रोज देखते थे, रोज दिखता था। आऊ साहेब जिजाऊ भी रोज देखते थे, शिवाजी महाराज आगरा में थे, सारा वहां पे कारबार आऊ साहेब जिजाऊ देख रहे। आऊ साहेब के हमेशा दिल में था, बोले कोंडाना बड़ा जान का प्यारा है, बोले अपने को बचपन गया है, बोले शिवाजी महाराज का यहाँ पे कई बार तो बचपन भी गया है। बोले आदिल शाह ने जब शाहजी राजे को कैद किया उस समय पे कोंडाना देना पड़ा था, शिवाजी महाराज की उम्र कम थी, 18-19 साल के थे, दिल बैठ गया, देना पड़ा, लेकिन फिर भी कोंडाना दिया है उधर। अब तह हुआ पुरंदर का, उसमें पुरंदर भी गया, उसमें कोंडाना भी गया, ये दो इंपॉर्टेंट किले थे। पुरंदर का युद्ध हम पढ़ेंगे, वो तो एकदम डेंजरस सर्जिकल स्ट्राइक है, कल पढ़ते हम, कल परसों में पढ़ेंगे। कोंडाना गया, शिवाजी महाराज ने कहा मैं मुहिम निकालूंगा। आऊ साहब ने कहा राजे आम्हाला कोंडाना पाहिजे, हमें कोंडाना चाहिए, बस इतना करो हमें कोंडाना लाके दो। शिवाजी राजे ने कहा मुहिम निकलेंगी, और मुहिम तैयार हुई। सारे पंतों को बुलाया गया, पेशवाओं को बुलाया गया, मोरोपंत पिंगड़े बोले मैं कोंडाना लूंगा, बाकी किले आप लोगे। डाल दिया कोंडाना की जवाबदारी मेरी, बाकी के किले राजकारण करके कैसे लेना है वो आप देखो, शिवाजी महाराज ने हुक्म दिया था। इसी समय पे शिवाजी महाराज का एक बचपन का मित्र था, तानाजी मालू सर है, बचपन से खेले, बचपन से बड़े हुए, एक लेजेंड है। तानाजी का जन्म कहां पे किसी को नहीं पता, किसी का कहीं पे उल्लेख नहीं है, लेकिन एक उल्लेख है कि अपनी मम्मी के, अपने मां के साथ में वो उमरठ में रहते थे, और इनका भाई भी था सूर्या जी, राम लक्ष्मण की जोड़ी। शिवाजी राजे के बारे में और इनके बारे में एक लेजेंड फेमस है कि आऊ साहेब जिजाऊ ने स्वराज्य में के आने के वक्त इन्होंने एक दवंडी दी, दवंडी यानी कि एक बात बताई कि जो जंगली सुअर होते हैं वो जंगली सुअर खेतों में जाके बहुत उन्माद मचा रहे थे। तो आऊ साहेब जिजाऊ ने कहा बोले जो कोई भी जंगली सुअर मार के हमें ला के दिखाएगा, मार के उसे नहीं लाना है, उसकी सिर्फ पूछ लानी है, बोले जो कोई भी हमें जंगली सुअर मार के लाके दिखाएगा उसे हम बोले सोने का कड़ा देंगे, बोले सोने का ब्रेसलेट वो देंगे। बोले तो एक आदमी आया, एक बच्चा आया छोटा सा, रात को 12:30-2 बजे 12:30-1 के दरमियान, और चिल्ला रहा है बोले आऊ साहब आऊ साहब आऊ साहब। उसके गार्ड ने बोला बोले आऊ साहब सोइए, भाभी भाभी मैं बाद में आओ। आऊ साहब बाहर आई, आवाज आया बाहर आई, बोले काय झालं रे पोरा, क्या हो गया? बोले बोले आऊ साहब, बोले एक्साइटमेंट में, बोले पूरा का पूरा, बोले पूरा रान रान डुक्कर सुअर लाया, बोले
वाइल्ड बोर, जंगली सोर लेके आए। बोले अरे पर सिर्फ पूछ लानी थी बोले, और कल सुबह भी आया रहता तब भी तेरे को सोने से कड़ा दिया रहता। बोले आउ साहब कड़ा नहीं चाहिए, एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए बस तानाजी को पीठ पे, आज जन्म स्वराज्य के लिए लड़ूंगा आउ साहब। और बचपन से शिवाजी महाराज के साथ में, वो बचपन से बचपन के दोस्त है, खेले बड़े कूदे बड़े हुए। शिवाजी राजा ने मुहिम निकाली, बोले फतेह करना है, फतेह कोंडाना लेना है। इस समय पे तानाजी के घर पे उनके बेटे रायबा की शादी थी, रायबा की शादी है, वेडिंग कार्ड इनविटेशन पत्रिका लेके गए शिवाजी महाराज के यहाँ पे राजगढ़ पे, डिस्कशन चल रहा है। और डिस्कशन चल रहा था, ये देख रहे कोई तो बहुत बड़ा जंग वंग निकली हुई है यार। शिवाजी महाराज ने सोच लिया था, बोले चार साल तो कुछ हुआ ही नहीं, 1660 से आगरा से लौट के आए, मुगलों के खिलाफ एक भी ये नहीं हुई, कोई कोई युद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, सब शांति है, इसको ठोकेंगे। चार साल में अपनी खेती बाड़ी सब पक्की कर लिया, आरमार पक्का कर लिया, अपने लश्कर पक्का कर लिया, तलवारें पक्की कर ली, बोले अब इसको चलाना है, बोले अब तो ठोकेंगे। तानाजी मालूसरे गए पत्रिका लेके उनके भाई के साथ, सूर्याजी मालूसरे। अब ये कहा जाता है कि उनका एक कैरेक्टर था शेलर मामा का, ये शेलर मामा का कैरेक्टर है या नहीं इसकी कहानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग आता है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में शेलर मामा का कैरेक्टर नहीं दिखाई जाता, नहीं दिखाया जाता, मूवी में दिखाया है। उसका रीजन ये, देखो इवन कई ऐसी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं तो मैं इसको स्टोरी फॉर्म में बताता हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अब एग्जैक्ट डायलॉग ऐसा का ऐसा होगा मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इसको स्टोरी फॉर्म में इसलिए बताया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट बना रहे, और हिस्ट्री स्टोरी फॉर्म में बताई जाती है। जिस दिन शिवाजी महाराज की सीरीज खत्म होगी मैं उस दिन आप सभी को यह बता दूंगा कि ये चीजें कहां पे है, कौन सी चीज कहां से मैंने उठाई है, और साथ ही साथ में इसके ऊपर डाउटफुल है या इसके ऊपर डाउटफुल नहीं है। अभी स्टोरी सुनो। तानाजी मालूसरे पत्रिका लेके गए, पत्रिका लेके गए शिवाजी महाराज, पूरी सभा होबा लेके पूरे पंत खड़े है, सब खड़े। तानाजी मालूसरे ने वैसे ही बहुत शिवाजी महाराज के साथ में युद्ध लड़े, अफजल खान के, और अफजल खान की सेना एक साइड से भागने नहीं जाए तो उस साइड पे तानाजी मालूसरे अपनी पूरी सेना लेके खड़े हैं। संगमेश्वर तट कोकण में शिवाजी महाराज ने छापा मारा, वहां पे भी तानाजी मालूसरे ने अपना लोहा दिखाया। अब सिंहगढ़ पे जाना, कोंडाना पे चढ़ना इतना आसान नहीं है, वहां का किलेदार है उदयभान राठौड़, जोधपुर का ही पट्टा, तीरथ सिंह उसका भाई है, श्याम सिंह पिताजी है, छोटा सा था तब से औरंगजेब के साथ में ये बंदा, 38 साल की उम्र होंगी इसकी अभी। इसके पिताजी पहले मुगलों के यहां काम करते थे, ये भी बंदा औरंगजेब का पूरा, बहुत ताकत है, बहुत ताकत, काफी हत्ती के जैसा ताकत है उसमें। जिस समय इसने कोंडाना लिया, कोंडाना के आजूबाजू के गांव में बता दिया, बोले ये अब मुगलों के अंडर में है। एक मंदिर में गया, मंदिर में जाके भवानी के वहां पे सलाख होती है मोटी वाली, ऐसी सब्बल बोलते, उस सब्बल को पूरा मोड़ दिया, इतनी ताकत थी इसमें हाथी के जैसे। और जब उसको मोड़ा, लोगों में खौफ फैल गया, बोले इतना डेंजर है, मारेगा सबको, इसके खिलाफ जंग लड़नी है। 1500 सैनिक ऑलरेडी सिंहगढ़ के ऊपर है। सब लोगों ने डिस्कशन चल रहा है, तानाजी वहां पे पत्रिका लेके आए, शिवाजी राजे का डिस्कशन चल रहा है। नियम यह था कि जो कोई भी मुहिम पे जाएगा या मुहिम का पत्र उठाएगा उसे एक करना पड़ता था कि शिवजी की शिवलिंग वहां पे हुआ करती थी, उसे बेल पत्र उठाना है, जो हल्दी होती है हल्दी के साथ वो बेल पत्र उठाना है, और बेल पत्र को उस पर चढ़ाना है, जो चढ़ाएगा वो मुहिम उठाएगा। सब डिस्कशन चल रहा है, कोई कह रहा है हम जाएंगे राजे, राजे आप मत जाओ, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमेशा का डायलॉग, सबको काळजी है राजे की, राजे की काळजी है। उत्ते में तानाजी आए, तानाजी ने डिस्कशन सुना, बोले राजे मुहिम निकली है हमारे बिना। तो वहां पे शिवाजी महाराज ने पूछा, बोले बोले आपके बेटे की शादी हमें पता चला, बोले राजे आप विषय मत बदलिए, मुहिम क्या है बताइए,
मैंने आते वक्त देखा किले में तलवारों को धार लगाई जा रही है, शस्त्र अस्त्र को धार लगाई जा रही है, मुहिम बताइए राजे। शिवाजी राजा ने कहा कोंढाना लेना है, तो बोले बस तय रहा, हम लेंगे कोंढाना। बोले ताना जी आपके बेटे की शादी है राजे। बेटे की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वराज्य इंपॉर्टेंट है। मेरी पहली शादी स्वराज्य से हुई, स्वराज्य इंपॉर्टेंट है राजे। पहले शादी कोंढाना की, फिर मेरे रायबा की, आधी लगिन कोंढाण्याचा आणि मग माझ्या रायबाचा। इन लोगों को भी लगा नहीं होगा क्या कि हमने कभी किसी पे प्यार किया, हमसे किसी ने प्यार किया, उस संसार को निभाना चाहिए। प्रॉमिस, ध्येय, स्वराज्य, एक बार वचन दिया, वचनबद्ध रहे, वचन को पूर्ति करने के लिए निकले, बस और कुछ नहीं। जिंदगी भर दौड़ते रहे, लड़ते रहे, घोड़े पे चढ़ते रहे, कभी लगा नहीं। आपको यह बात जान के ताज्जुब होगा, शिवाजी महाराज की 8 शादियां आप कहते हो, संसार कितने के साथ है? सिर्फ 4 के साथ, बाकी बचे 4 एक पुत्र भी नहीं है। जिंदगी में एक पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, कितने कितने दिनों तक उनके साथ समय बिताया होगा। सही भाई, पहली पत्नी 19 साल शिवाजी महाराज रहे, दूसरी पत्नी के साथ कुछ साल रहे हैं। शिवाजी महाराज ने समय तक बिताया नहीं है। और राजकारण ही शादी है, सब राजकारण था। शादी हो गई, ससुराल की जितनी भी जगह रहेंगी वो हमारे स्वराज्य में आएंगी। ताना जी के घर वालों को लगा नहीं होगा, अरे बेटे की शादी, आप कहां युद्ध करने जा रहे हो? नहीं लगा। वो बेल पत्र उठाया, वो हल्दी उठाई और लगा दी। बोले राजे युद्ध करने तो हम ही जाएंगे, पहले शादी कोंढाना की, फिर मेरे रायबा की, और तय रहा। शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लगा। शिवाजी महाराज ने कहा, बोले ताना जी आपने अच्छा नहीं किया। बोले राजे बाजी प्रभु ने भी आपसे यही कहा होगा, शिवा काशिद ने भी आपसे यही कहा होगा, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं राजे, हमारे जैसे लाखों मर गए चलेगा, लेकिन आपके जैसा हमें लाखों पैदा करने वाला जिंदा रहना चाहिए राजे। अरे हमें गेलो खुशाल दो, तुमच्या सारखा लाखांचा पोशिंदा असला पाहिजे राजे। हम चले गए चलेगा, आपके जैसे हुजूर चाहिए, आपके जैसे साहेब चाहिए, आपके जैसे ठाकुर चाहिए, जो हजारों लाखों तानाजी फिर से जिंदा कर सके। आप राजा हो, आपके लिए 100 जन्म लेके आऊंगा राजे। तेरा इतना आसान नहीं था कोंढाना चढ़ना। कोंढाना पे सिर्फ 2 दरवाजे हैं। अगर आप कोंढाना के वेस्टर्न साइड को देखोगे ना, तो यहां पे 2 दरवाजे हैं। एक इधर के साइड में आता है, थोड़ा सा इधर पुणे दरवाजा आता है, और कोंढाना के वेस्टर्न साइड में देखोगे तो पूरी खड़ी चढ़ाई है। डोनागिरी की चढ़ाई बोलते उसको, डोनागिरी का कड़ा, और डोनागिरी की चढ़ाई है। तीनों तरफ से कड़े पहरे हैं, लेकिन डोनागिरी पे कड़े पहरे नहीं है, क्योंकि वहां से चढ़ना यानी मौत। कोई भी चढ़ने की कोशिश करेगा मरेगा। तानाजी मालूसरे ने डिसाइड कर लिया, बोले हम चढ़ेंगे यहां से। कितने सैनिक के ऊपर? 1500। तानाजी कितने लेके जा रहे? 500 बहुत है। घोरपड़े बंधु नाम के 2 भाई थे, वो सीधे चढ़ जाते थे। दोनों को बुलाया गया, बोले आप ऊपर चढ़ोगे, आधी रात को जाना था इनको। पीछे के साइड से गए चुपचाप, एकदम चुपचाप, बोले आपको कड़ा चढ़ना है और ऊपर से रस्सियां फेंकनी है। वानर सेना कैसी चढ़ती थी वैसे ये दोनों चढ़ते थे, ये राम लक्ष्मण 2 भाई और इनकी वानर सेना, इसमें से 2 लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहीं पे दबा दबा के माउंटेनियर, स्पेशलाइज्ड माउंटेनियर चढ़ रहे दोनों ऊपर। चढ़े, रस्सी फेंकी, रस्सी चढ़ के मराठों ने चुपचाप चढ़ना शुरू किया। एक के पीछे एक मराठे पहुंचे, और उत्ते में खबर लग गई, उदयमान राठौड़ तक खबर पहुंची, मराठों ने आक्रमण कर दिया है, आधी रात
बात को समझ में नहीं आ रहा था, कहां से ये आए, हर हर महादेव के नारे, और दोनों तरफ से हर हर महादेव के नारे, क्योंकि यहां पे राजपूत थे, यहां पे मराठे थे, दोनों तरफ से हर हर महादेव के नारे, युद्ध का जयघोष, युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ, सभा सब सभा सब सभा सब, रक्त की छींटे उड़ रही थी, मराठे अपना उन्माद दिखा रहे थे, उदयभान राठौड़ ने अपनी तलवार सज्ज की, खड़ा हुआ सामने तानाजी मालुसरे, दोनों आंखों ने सामने, दोनों ने युद्ध करना शुरू किया, पूरा किला हिल चुका था, किले में से आक्रोश निकल रहा था, उदयभान की तलवारें तानाजी के तलवारों पर भिड़ रही थी, तानाजी की तलवारें उदयभान की तलवार पर भिड़ रही थी, और देखते ही देखते दोनों लाल बूंद खून में नहा चुके थे, और उतने में उदयभान ने अपना स्वार किया, उदयभान की ताकत हाथी की ताकत, और उस वार से तानाजी की ढाल टूट गई, बस ढाल टूट गई, दूसरी ढाल लाएंगे कहां से, करें क्या, समझे क्या, और उतने में उदयभान ने अपने आप को सज्ज किया और तानाजी पे वार पे वार वार पे वार करना शुरू किया, तानाजी का हाथ कट गया, तानाजी ने अपने सर का फेटा निकाला, अपने हाथ को बांधा और एक नई ढाल बनाई और लड़ना सज्ज किया, फिर शुरू हुआ युद्ध, उदयभान के वार इतने प्रखर थे, गिर गए तानाजी, मराठों का सरदार गिर गया, उदयभान पूरा जख्मी हो चुका था, मराठों का सरदार गिर गया, और इन मराठों के सरदार मराठों ने देखा हमारा सरदार गिर चुका है, और भागने लगे मराठे, बोले सरदार गिरा हम कहां जीतेंगे, भागो, सूर्या जी को खबर लगी, बोले भाग क्यों रहे हो, सूर्या जी ने देखा भाई गिर चुके हैं, और सूर्या जी ने कहा अरे तुमचा बाप इतना पड़ा है, तुम्हारा बाप यहां पड़ा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती, दरवाजे से तो जाना असंभव था, और पीछे डोनागिरी का कड़ा, वहां पे रस्सिया थी, मराठे कूदने वाले थे, सूर्या जी ने रस्सिया काट दी, उदयभान जिंदा था, उदयभान भाग रहा था किसी और जगह पे युद्ध करने के लिए, सूर्या जी ने देखा और सूर्या जी और उदयभान का युद्ध, उदयभान को मारा पड़ा और वहां पे उदयभान मरता है, मराठों ने पूरे आक्रोश के साथ फिर से एक युद्ध किया और मराठा जीते, 50 मराठे शहीद हुए हैं, 50 वहां पे झुंझार माची करके एक माची यानी कैसे ऊंची जगह है, वहां से सूर्या जी ने अग्नि जलाई, शिवाजी महाराज को बताया, बोले हम जीत गए राजे, हमी जिंकलो, अपन जिंकलो राजा, राजगढ़ से देख रहा था 6 घंटे से, शिवाजी महाराज को रहा नहीं गया, शिवाजी महाराज ने अपने घोड़े ओड़े निकाले गए, तानाजी का देह पड़ा था वहां पे, अरे जिसके साथ बचपन से खेले, जिसके साथ बड़े हुए, जिसको बचपन से देखा, भाई सगे भाई से भी ज्यादा बढ़ के, ये गढ़ आया, सिंहगढ़ आया, और मेरा सिंह गया उसका क्या, एक गढ़ आया दूसरा गढ़ गया, माजा सिंह गेला त्याचा काय, एक के पीछे एक आहुती, और किसके लिए, मुगलों के लिए, ये मुगल थे कौन, इन्वेडर्स, आज भी अपने देश में मुगलों का महिमा मंडन, खून की नदियां बहाई है मावड़ों ने, राजे ने कहा हमसा ताना गेला, और इतिहास ये बताता है कि शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ का नाम तानाजी के जाने की वजह से सिंहगढ़ नहीं लिखा, वो ऑलरेडी सिंहगढ़ है, कई पत्रों में पहले भी उल्लेख आता है, ये कहावत ऐसी बन गई कि गढ़ आला पन सिंह गेला और इसीलिए नाम सिंहगढ़ पड़ा, नहीं, ऑलरेडी नाम सिंहगढ़ था, कोंढाणा भी था, जैसे हमने देखा वज्रगढ़ और रुद्रमढ़, शिवाजी महाराज ने सबको सोने के कड़े दिया, बोले सबको मान दिया, सम्मान दिया, शिवाजी राजे रायबा के घर में गए, वाह उमरट,
हैवा की शादी लगाई। वहां पे 50 मावड़े हमारे भी शहीद हुए, गढ़ आया और 50 मावड़े जब हमारे शहीद हुए, तो आज भी मालूसरे फैमिली में प्रथा चलती है कि जब जब कोई शुभ काम होता है तो जो 50 मावड़े वहां पे शहीद हुए उनके नाम के दिए लगाए जाते हैं, 50 आज भी लगते हैं। अरे किसके लिए लड़े ये, किसके लिए मरे, इनको कभी लगा नहीं होगा। अरे मेरा बेटा राह देख रहा है, शादी है उसकी, कभी सोचा नहीं होगा। लड़ते रहे मरते रहे स्वराज्य के लिए, तुम्हारे लिए, तुम आज जो जी रहे हो तुम सुखी जियो। उदय घोष हो चुका था फिर से, शिवाजी राजे वापस आए 1670, और शिवाजी महाराज के भी आयुष्य के अभी ज्यादा उम्र नहीं बची है, केवल आखिरी चरण में 10 साल। एक सुवर्ण 16 देखना है, मैं राजा बनेगा हमारा, राजा शिवराज्याभिषेक होगा। इतनी साल की गुलामी, उसके बाद 600-700 साल की गुलामी के बाद कोई पहला हिंदू राजा उभर के आया था जिसने अपना खुद का साम्राज्य बनाया। दक्षिण में भी कई राजा हुए, उत्तर में भी हुए, लेकिन सबको अपना खुद का राज्य था। शिवाजी महाराज के राज्य की वैशिष्टता क्या है कि शिवाजी महाराज ने अपना राज्य खुद खड़ा किया है, और ऐसे ही खड़ा नहीं किया, ये अनमोल ऐसे हीरे रत्न उस स्वराज्य के यत्न में अर्पित किए हैं। तानाजी, बाजी, शिवाकाशित, इनकी आहुति पड़ी तब वो सिंहासन बना, वो सिंहासन सज्ज हुआ। शिवाजी महाराज को राजा नहीं बनना था, आऊ साहब ने कहा बोले राजा बन जाओ, शिवाजी महाराज ने कहा आऊ साहब सिंहासन इतना बड़ा देना मेरे सारे मावड़े बैठ सके, लेकिन जनता को देखना था मेरा राजा राजा बने, छत्रपति का तख्त पे बैठे, छत्रपति का ताज पहने, छत्रपति बने। शिवाजी महाराज अब उस दिशा में जा रहे हैं जहां पे उनका राज्य अभिषेक 16 होगा, उसके पहले एक दो किले लेने हमें, और उन किलों के मुहिम पे हम कल निकलेंगे।